और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से। यहां पर तीन लोगों की हत्या हुई है, ट्रिपल मर्डर हुआ है। बताया जा रहा है कि पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है इन तीन लोगों की। ये घटना पटना सिटी के सवलपुर इलाके की है। मृतक की पहचान हो गई है, 45 साल के उपेंद्र राय, उनकी 40 साल की पत्नी इंदु देवी और 12 साल के बेटे रोहित कुमार की हत्या की गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि ये घटना हुई है बिहार की राजधानी पटना में। पटना सिटी का सवलपुर इलाका है ये, जहां पर एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या हुई है। ट्रिपल मर्डर है ये, पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। चश्मदीद का क्या कहना है वहां पर, वो सुनिए। तो देखे कि यहाँ पर एक लाश है, तो लाश है तो हम पूछे कि क्या हुआ भाई, तो लाश मरा हुआ है। हाँ, तो फिर और लोग दर्शक लोग कहने लगे कि दो गो रास्ता पर मरा हुआ है। हाँ, दो गो मार के वहाँ पर फेंका हुआ है। तो हम लोग वहाँ देखने के लिए गए। हाँ, एक बच्चा है और एक लेडीज है। और एक ये लड़का है, यानी तीन मर्डर हुआ है सर। तो बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीन लोग हैं, 45 साल के उपेंद्र राय, उनकी पत्नी जो 40 वर्ष की बताई जा रही है इंदु देवी, और उनका 12 साल का बेटा रोहित कुमार, इन तीनों की ही हत्या की गई है। और ये जो ट्रिपल मर्डर है, इसमें बताया जा रहा है कि पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।